Yes, this is a numerical, a magnetic intensity of 1500 ampere meter to the power minus 1 produces a magnetic flux of 2.4 into 10 to the power minus 5 Weber in a bar, and magnetic susceptibility of iron of cross section this. Calculate the permeability and magnetic susceptibility. ठीक है, इसमें ये म्यू कैलकुलेट करना है और ये सस्सेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसमें ये एच दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके, और ये फ्लक्स फाई दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? फ्लक्स फाई दिया हुआ है. ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप नोट कर लीजिए पहले. एट फर्स्ट यू नोट डाउन दिस प्रॉब्लम. ओके, तो इस प्रॉब्लम में आपको गिवन क्या क्या है, गिवन, ओके, गिवन एच इज इक्वल टू 1500 एम्पियर मीटर टू पावर माइनस वन, ओके, और आपको फाइव दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है. है मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है 2.4 × 10⁻⁵, 2.4 × 10⁻⁵ वेबर, ओके, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 m². ठीक है, और 0.5 cm² दिया हुआ है, तो 0.5 × 10⁴ - 4 m² हो जाएगा ये, ओके, और तब ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा फ्लक्स बाई एरिया. ओके, ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁵ वेबर डिवाइडेड बाय 0.5 × 10⁴ m². ठीक है, बिकॉज फाइव इज इक्वल टू बी इन टू ए. ओके, आपको ये लगभग आ जाएगा 0.48 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया. क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी गिवन है, तो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम आ जाएगा. ओके, तो क्या है रिलेशन, क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू एच है ना. ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 0.48 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जो अभी कैलकुलेट किया गया है, और डिवाइडेड बाई 1500 जो इंटेंसिटी दिया हुआ है. ठीक है, ये आपको परमिएबिलिटी आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है. परमिएबिलिटी कितना आ गया, ये परमिएबिलिटी आपको आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁴. ओके, इसका परमिएबिलिटी का यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर एम्पीयर टू द पावर माइनस वन, टेस्ला मीटर एम्पीयर टू द पावर माइनस वन. ये हो गया परमिएबिलिटी. ये स्पेसिमेन डिपेंडेंट टर्म्स है, उस मीडियम का परमिएबिलिटी है ये. ओके, उस मटेरियल का, उस मैटर का परमिएबिलिटी है ये. और हमारे पास रिलेशन है कि म्यू इज इक्वल टू 1 + sin, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 + sin. सॉरी, अभी अभी जो रिलेशन हमने डिजाइन किया. ठीक है, तो हमारे पास म्यू पता है हमको, म्यू कितना आया 3.2 × 10⁻⁴. म्यू नॉट आपको 4 π × 10⁻⁴
माइनस सेवन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा, ये दिस इज 3.2 × 10⁴ डिवाइडेड बाय 4π, 4π मतलब 4 × 3.14 × 10⁻¹. ये इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर ये −1 = ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पर 1 इधर आएगा तो −1 हो जाएगा, ओके, ये लगभग आएगा आपको आंसर ससेप्टिबिलिटी 253.78, आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछा गया था और ये परमियबिलिटी पूछा गया था, ठीक है, तो जितना पोर्शन डिलीटेड है और बाकी जो डिलीटेड नहीं था सीबीएसई के द्वारा ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इसके बाद अगर कोई चाहेगा तो वो डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ सकता है इस चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।